अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर क्या है कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आपने उस लैंग्वेज को दूसरी जो होती है लैंग्वेज उसमें कन्वर्ट करना होता है। लाइक जिस तरह इंग्लिश को स्पेनिश में कन्वर्ट करना होता है, स्पेनिश को इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, या इटालियन को इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। मतलब जिस भी लैंग्वेज में आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहते हैं, आप गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये काम करने के लिए आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आप ये काम जो है ना इजीली कर सकते हैं और आप डेली का 2 से 3 हज़ार कमा सकते हैं, और लोग कमा भी रहे हैं ये और ट्रांसलेशन की जॉब करके। किस तरह से कमा रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं, हमने कैसे काम करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अच्छा जी, बात हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं, हम उसमें कुछ भी जो लिखते हैं, इस तरह 10 टॉप मोबाइल इन पाकिस्तान, ठीक है जी। ये हमने एक रेंडमली लिखा है, मतलब जिस तरह हमारा कोई क्लाइंट होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, हमने यहाँ से कोई रैंडमली कोई डाटा जो है ना वो उठाना है और हमने उसको क्या करना है जी, ट्रांसलेट करना है। तो हमने जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन या लर्निंग हमने इसको जो है ना वो यूज़ करना है। तो कोई एक ब्लॉग लिखा हुआ मैं चाह रही हूँ मुझे मिल जाए, लाइक जिस तरह ये है ना, ये एक कॉन्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो जैसे मैंने यहाँ पर को एक यहाँ पे रैंडमली कॉपी किया है ना, तो आपका क्लाइंट क्या करेगा, आपका क्लाइंट ये आपको जो भी लिखा होगा ना कंटेंट, वो आपको एक वर्ड या पीडीएफ में प्रोवाइड करेगा, आपने उसको ट्रांसलेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि सारा जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आ रहा था। हम गूगल ट्रांसलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो गूगल ट्रांसलेटर में हम लोगों ने क्या करना है, हमने यहाँ पर वो जो लैंग्वेज थी उसको यहाँ पर पुट किया, तो हमने यहाँ पर चेंज कर लेते हैं लैंग्वेज की, भाई हम लोग थी हम लोग इसको करना चाह रहे हैं जी अरेबिक में, ठीक है। तो जो टेक्स्ट मैंने वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देना है। तो ये जो है ये देखिए गूगल ट्रांसलेटर ने क्या किया जी, गूगल ट्रांसलेटर ने इसको यहाँ पे अरेबिक में कन्वर्ट कर दिया। तो आपका बस ये सिंपल सा काम है, क्या काम है जी, ट्रांसलेट करने का। तो आपको यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होगा, लाइक सर यहाँ मैंने एक अरेबिक सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे हर लैंग्वेज में ना अपने क्लाइंट को ट्रांसलेट करके दे सकते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं अरेबिक है, फिर यहाँ पे बंगाला है, फिर यहाँ पे चाइनीज है, इंग्लिश है, ठीक है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, इटालियन है, हिंदी है। अलग से मैं यहाँ पे इसको जो है मैं कन्वर्ट करती हूँ, मैं हिंदी में, मेरा कोई डॉक्यूमेंट या क्लाइंट का कोई डॉक्यूमेंट है वो चाह रहा है कि इसको ट्रांसलेट करें, मैंने इसको हिंदी में जो है ना ट्रांसलेट करना है। तो ये क्या कर दिया है, देखिए जी इसने इंग्लिश वहाँ से जिस तरह क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा अपना कंटेंट या अपना कोई भी टॉपिक, उसको आपने वहाँ से कॉपी करना, गूगल ट्रांसलेटर पे यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना, और यहाँ पे आपने लैंग्वेज चेंज कर देनी है। तो जिस भी लैंग्वेज में आपका क्लाइंट आपको कहेगा उस लैंग्वेज में आपको यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर देना। आप देखें मैंने अभी हिंदी के ही हिंदी के अंदर हो गया, लाइक से मैं यहाँ पर कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करती हूँ, मैं फ्रेंच सेलेक्ट करती हूँ यहाँ पर। तो ये देखें जी ये फ्रेंच में कन्वर्ट हो जाएगा, देखें ये फ्रेंच में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब आपका बस ये सिंपल सा काम है, आपने यहाँ पे ट्रांसलेशन करनी है। अब आपने ट्रांसलेशन करके क्या करनी है, आपके जो क्लाइंट होगा उसके जो वर्ड्स होंगे वो 1000 या 2000, आपने वर्ड्स के हिसाब से पैसे लेने होंगे ना, तो 1000 होंगे, 2000 होंगे, 3000 होंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, हाफ ऑफ वो जो वो आर्टिकल होगा उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, और ट्रांसलेट कर करके वहाँ पे आपने नया गूगल जो डॉक ओपन करना है वहाँ पे पेस्ट करके क्लाइंट को वर्ड में सेंड कर देना है। आपका बस ये काम है, और ये इस काम के लिए आप देख सकते हैं आपको किसी स्किल की जरूरत नहीं है, आपको हर लैंग्वेज यहाँ पे मिलेगी गूगल ट्रांसलेटर में। आप जो भी लैंग्वेज में जो भी क्लाइंट आपसे कहेगा आपने उसमें इसको कन्वर्ट करके देने होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड करने हैं, आपका काम जैसे उसको ट्रांसलेट करना है। लाइक इस तरह यहाँ पे एक और लैंग्वेज आ रही है उर्दू, मैं इसको उर्दू में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है जी। तो ये देखें जी उर्दू में कन्वर्ट कर दिया, जो यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ उर्दू में कन्वर्ट किया हुआ आपको नजर आ रहा है। अब हम सीखते हैं कि हमने यहाँ से पैसे कैसे कमाने हैं, ये स्किल तो हमने सीख लिया है कि गूगल ट्रांसलेटर की मदद से पैसे कैसे कमाने हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि हमने यहाँ से पैसे कैसे कमाएंगे। तो फाइवर के बारे में आपको पता है, फाइवर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को बेच के पैसे कमाते हैं। लेकिन आपको ये पता है आप गूगल ट्रांसलेटर वैसे यूज़ करते हैं मतलब कि अपने डेली यूज़ में, लेकिन आप गूगल ट्रांसलेटर से पैसे भी कमा सकते हैं। लाइक जिस तरह यहाँ पे फाइवर है तो मैंने यहाँ पे लिखा जी ट्रांसलेशन,
यहाँ पे आपको क्रिएट करनी होगी। देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश टू अरेबिक ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेशन, जर्मन ट्रांसलेशन, अलग जिस तरह अभी मैंने आपके सामने फॉर एग्जांपल भी करके दिखा रहा है इंग्लिश टू अरेबिक ट्रांसलेशन। तो ये आपको गिग यहाँ पे क्रिएट करनी होगी ट्रांसलेशन की। अब आप जिसके अंदर कंफर्टेबल हैं आप उसके अंदर गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें 10,000 सर्विसेज लोग यहाँ पे दे रहे हैं इंग्लिश टू अरेबिक ट्रांसलेशन करके। तो यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स यहाँ पे जो है ना वो बड़े स्पेसिफिक हैं, यहाँ पे कंपटीशन जो है ना वो मीडियम है। मैंने पहले बताया है फाइवर पे आपको ऑर्डर तब मिलता है जब आप वो कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं जिसमें कंपटीशन मीडियम होता है या लो होता है। हाई कंपटीशन कीवर्ड यूज करेंगे कभी भी फाइवर आपको वर्क नहीं देगा, क्लाइंट आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उस कीवर्ड पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपेटिटर्स आपके बैठे होंगे। अब ये देखें जी, आई विल प्रोवाइड द बेस्ट इंग्लिश टू अरेबिक ट्रांसलेशन ऑन फाइवर। इसने 288 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। हम इनकी जो प्रोफाइल जो है ना वो ओपन करके देखते हैं जी कि ये यहाँ पे ट्रांसलेशन की सर्विस देकर कितने पैसे कमा रहे हैं। आप देखें जी सेव, अब ये बेसिक पे कितने ले रहे हैं जी, 250 वर्ड्स की ट्रांसलेशन कर रहे हैं जी, ठीक है, इंग्लिश टू अरेबिक, अरेबिक टू इंग्लिश। तो ये देखें जी 3,000 ले रहे हैं, और स्टैंडर्ड पे कितना ले रहे हैं, 6,000 ले रहे हैं 400 वर्ड्स की ट्रांसलेशन का, और प्रीमियम में कितना ले रहे हैं, 21,000 2,000 वर्ड्स का। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्ट ट्रांसलेशन करके यहाँ पे ये कितने पैसे कमा रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने अपनी कुछ जो है ना लाइक साहब ये कह सकते हैं ना जो है यहाँ पे वर्क वगैरह जो है ना वो शेयर किया हुआ है जी। ये देखें इन्होंने अपनी यहाँ पे पोर्टफोलियो शेयर किए हुए हैं, ठीक है जी। ये देखें इस तरह से आपको काम मिलेगा। क्लाइंट सिंपल क्या करेगा, आपको अपना डाटा प्रोवाइड करेगा, उस डाटे को देखें ये काम क्या कर रहा है, इंग्लिश टू अरेबिक में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये देखें इसने सारा काम जो है ना इंग्लिश अरेबिक में कन्वर्ट करके क्लाइंट को दिया हुआ है, और ये क्लाइंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो यही काम, ऐसे ही काम जो है ना वो आपने भी करने हैं, ठीक है। तो ये इसने जिस क्लाइंट का काम किया हुआ है ना फाइवर पे, इसको इसने ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये देखें जी ये इसने एक वीडियो भी जो है ना वो क्रिएट की हुई है, ठीक है। हम नेक्स्ट फ्रीलांसर को देखते हैं। अच्छा जी, आई विल प्रोवाइड इंग्लिश टू अरेबिक ट्रांसलेशन एंड वाइस वर्सा। इसने 1,000 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं जी, क्या काम करके, जस्ट ट्रांसलेशन करके। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई विल ट्रांसलेट अरेबिक इंग्लिश टू अरेबिक ट्रांसलेशन और अरेबिक टू इंग्लिश। ये 1,000 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। आई विल डू अरेबिक ट्रांसलेशन, इन्होंने भी 1,000 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। जितने भी आप देखें इन सब ने 1,000 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं जस्ट ट्रांसलेशन करके। तो अगर आप इंग्लिश टू अरेबिक ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। लाइक सर यहाँ पे मैं लिखती हूँ जी इंग्लिश टू जर्मन। अच्छा यहाँ पे ना कीवर्ड आपने बड़े स्पेसिफिक यूज करने हैं, आप बता रही हूँ स्पेसिफिक कीवर्ड्स का आपको ये फायदा होगा कि आपको यहाँ पे काम मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आप इंग्लिश टू जर्मन करते हैं तो वहाँ पे भी कंपटीशन आपको मीडियम मिलेगा, तो आप इंग्लिश टू जर्मन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ ना आप इंग्लिश टू अरेबिक यूज करें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा जी नेक्स्ट है जी, आई विल ट्रांसलेट इंग्लिश टू जर्मन और ट्रांसलेट जर्मन टू इंग्लिश। इसने भी 1,000 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं इंग्लिश टू जर्मन में कन्वर्ट करके और जर्मन को इंग्लिश में कन्वर्ट करके। तो ये देखें ये क्या लेता है जी, 250 वर्ड्स का 3,000 ले रहा है, और स्टैंडर्ड पे ये 4,000 वर्ड का 4,000 ले रहा है, और प्रीमियम पे ये 2,000 वर्ड का 6,000 ले रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये काम क्या कर रहा है, जस्ट ट्रांसलेशन का काम कर रहा है। और ट्रांसलेशन करनी कैसे है, आपने गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से यहाँ पे ट्रांसलेशन करनी है। एक तो हमारा प्लेटफॉर्म ये हो गया है। हमारा सेकंड प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आपको पता है upwork.com, upwork.com भी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप अपने सर्विसेज बेचते हैं फाइवर की तरह। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लोग किस तरह के जॉब पोस्ट कर रहे हैं, ट्रांसलेशन के प्रोजेक्ट किस तरह के होते हैं, हम वो देखते हैं। फिर वो देखते हैं यहाँ पे ट्रांसलेशन करके लोग पैसे कितने कमा रहे हैं। तो जॉब पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने किया जी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से रिलेटेड जॉब मैं देखना चाह रही हूँ अपवर्क पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी 4,000 प्लस यहाँ पे जॉब पोस्ट हुई है। इंग्लिश टू इटालियन आपने ट्रांसलेशन करनी है, और आपको बजट जो है ना $100 पे किए जा रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट अभी पोस्ट हुआ है 2 मिनट्स अगो। तो ये देखें जी इंग्लिश में आपने इंग्लिश टू इटालियन कन्वर्सेशन करनी है, आपने चेक लोकलाइजेशन फॉर इंग्लिश टू इटालियन फिक्स एनी ग्रामर इशू। आपने क्या करना है, आपने ट्रांसलेशन करनी है, ट्रांसलेशन करके अगर कोई ग्रामर इशू आ रहा है तो ग्रामर इशू के लिए मैंने आपको बताया है कि आप एक एक्सटेंशन ग्रामरली का एक्सटेंशन आपने गूगल क्रोम में ऐड कर लें, उसमें जो भी ग्रामर का इशू होगा आप उसको बता सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इजी कॉपी एंड पेस्ट टाइपिंग। अच्छा अब आगे नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है फिलिपिनो टू इंग्लिश सब टाइटल। आपने फिलिपिनियो से इंग्लिश में लिखना है सब टाइटल, और आपको कितने पैसे पे किए जा रहे हैं, $30 आपको पे किए जा रहे हैं, ठीक है जी।
अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जी क्विक ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू फ्रेंच। इंग्लिश टू फ्रेंच आपने ट्रांसलेट करना है और आपको यहाँ पे जो है काम कितना करना पड़ेगा, लेस देन 30 और पर वीक आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। बजट अभी इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया हुआ। अच्छा जी, लुकिंग फॉर ट्रांसलेटर फ्रॉम जापान टू इंग्लिश, जापान से इंग्लिश में कन्वर्ट करें या जापानी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे आपको $200 पे किए जा रहे हैं जापान को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के, ठीक है जी। तो इसी तरह से आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं अपवर्क पे ट्रांसलेशन के कौन कौन से हैं। आप थोड़ा सा हम यहाँ पे टैलेंट भी देख लेते हैं कि लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन करके कितने पैसे कमा रहे हैं जी, जस्ट ट्रांसलेशन की सर्विसेज अपवर्क पे देखे तो आप देख सकते हैं जी, इन्होंने यहाँ पे जो है ना वो $20 पर और ले रहे हैं और इन्होंने $20,000+ अर्न कर लिए हैं जी। क्या सर्विसेज देके ट्रांसलेशन की, आपके सामने लाइव प्रूव है कि लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन की सर्विस देके कितने पैसे कमा रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जी, ये $5 ले रहे हैं पर और का और 100K+ इन्होंने डॉलर जो है ना वो अर्न कर लिए हैं। क्या सर्विसेज देके जी ये ट्रांसलेटर करते हैं, सर्टिफाइड ट्रांसलेटर जर्मन, पुर्तगीज, इटालियन, डच एंड स्पेनिश, ठीक है जी। ताकि नेक्स्ट है जी, ये क्या ले रहे हैं, $12 ले रहे हैं पर और का और $10,000+ ये लोग अर्न कर चुके हैं ट्रांसलेशन की सर्विसेज देके। तो इसी तरह से आप भी यहाँ पे ट्रांसलेशन की सर्विस देके पैसे कमा सकते हैं और अपनी जो है ना अर्निंग इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।